आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? जी राधे राधे, राधे। मेरा नाम रवि है, रहने वाले कहाँ के आप? सुजानगढ़ चोरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। सुजानगढ़, राजस्थान के। पेशेंट आपकी माता जी है, क्या नाम उनका? गीता देवी। गीता देवी। मैं इसलिए आप लोगों के सामने बार बार ये वीडियो डालता हूँ कि वीडियो पर लोगों को शक होता है कि कैसे 20 दिन के अंदर रिकवरी हो सका है पेशेंट। और इनकी पेशेंट की लंग्स के डिसऑर्डर थी और ये 2014 से सर्वाइव कर रहा था पेशेंट, और मेरे हिसाब से कोई भी डॉक्टर इन्होंने नहीं छोड़ा होगा। अपने पेशेंट के बारे में आप ही बताओ कि कहाँ कहाँ आपने दिखाया 2014 से, जो परेशानी थी खुद ही आप लोगों को बताओ। 2014 से पहले खांसी तो हल्की हल्की आती, खांसी दवाई दिला दी, मेडिकल से दिला दिया, किसी कहीं से दिला दिया, खांसी ठीक, फिर हो जाना, फिर दवाई ली, फिर ठीक। तो मैंने सोचा प्रॉपर इलाज करवाए थे, पापा जी ने जयपुर दिखा, दवाई चल रही, जैसे दवाई ली, दवाई लेते हैं तब तक ठीक है, फिर वापस वही सिस्टम चालू चालू चालू। वो खांसी हो गई इतनी, बात कम खांसी ज्यादा, बात का तो मतलब ही नहीं, आप बैठो खुद परेशान हो जाओगे कि खांसी आ रही, चलो उठते हैं, कोई बात तो कर नहीं पाती। उसका एक और ये सिस्टम था कि रात को वो खाना खा के सोई है, सवेरे पता नहीं सर बांध के सो रही है, क्यों सर फट रहा है, पेट एकदम फूल गया हो रहा है, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया, सारा सिस्टम हुआ, परेशान हो गए, दिखाते रहे, दवाइयां चलती रही, होता रहा। जयपुर का तो मेरे ख्याल से एक भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, सरकारी क्या प्राइवेट क्या, जहाँ डॉक्टर बताया कि वो अच्छा है वहां दिखाया, और जयपुर किसी डॉक्टर ने बताया भी उसके इंजेक्शन लगवाया, वो इंजेक्शन बाहर से बन गया कि ये बाहर से बन के आएंगे और ये लगेंगे, जो अपने नाभि है, नाभि के आर पार लगते थे, नाभि को तो छेद दिया, इस हिसाब से मतलब जबरदस्त इंजेक्शन, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं, दवाई ले तो सब तक सही, फिर वही लंग्स का ट्रीटमेंट भी दिए, वो भुनने का, फूंक मारने का, अड़ंग बड़ंग सारा, वो कोई मतलब नहीं है। कोरोना भी हुआ, कोरोना भी दवाइयां दिला दी, सुजानगढ़ का हमारे यहाँ का लोकल भी है तो कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सीकर के कोई नहीं छोड़े, तो कोई भी आसपास के कोई डॉक्टर नहीं छोड़े, कोई आराम नहीं है। 6,000 का एक इंजेक्शन बता रहे थे आप मुझे, अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास तो आपने इंजेक्शन लग गए, वो आपने फाइल भी देखी थी उस टाइम, बोले भी था ये इतने इंजेक्शन तुमने लगवाए हैं। आपने मुझे बताया कि आपने जब मेरी दवाई चालू करी थी तो कह रहे थे 3 दिन में आराम, 3 दिन में, 3 दिन में मतलब दिखने लग गया कि रिजल्ट है, ये तो कंफर्म है कि 100%। एक तो यहाँ से मैं निकला उससे पहले मैंने फोन कर दिया पापा जी को, क्योंकि उसको सबसे बड़ी समस्या थी 40 की 40 नहीं क्लियर होती थी कभी भी, और तो मैंने फोन कर दिया, पापा ने शाम को लाए और वो अरंडी का तेल चालू कर दिया, सुबह पेट साफ क्लियर। आप समझ रहे हो, सबसे बड़ी समस्या थी इनके पेट साफ होने की, और हमारा आयुर्वेद भी जो भी इसमें मेडिकल लाइन में है या आयुर्वेद की तरफ है, उनको ये पता है कि अगर बड़ी आंत साफ नहीं होगी तो लंग्स में डिसऑर्डर आएगा, तो हमने इनके जो मेन था कारण पेट साफ होने का, और पेट साफ होने की दवाइयां नॉर्मल आपके घर में थी, उसके लिए मैंने भी कुछ नहीं दिया था, क्योंकि लोग अपने अपने चूर्ण बेचते हैं पेट साफ करने के, मैंने कुछ नहीं, इनको सामान्य घर का ही बताया अरंडी का तेल, और जैसे ही दिया बताते हैं कि 2-3 घंटे में ही मतलब सिंगल डोज में वन टाइम में ही पेट साफ हो गया, जो लंबे समय से प्रॉब्लम था। और अब 20 दिन में तो मेरे ख्याल से दोबारा प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी पेट वाली। देखो मैं ये बात बताने के लिए आपको बता रहा है कि आज इतना बड़ा, ये कहते हैं कि एलोपैथ, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर, 6,000 का इंजेक्शन, जो कि 2014 से 2024 तक कुछ नहीं कर पाया, और आज आयुर्वेद ने 3 दिन में इसको सोल्यूशन दे दिया, और 20 दिन के बाद मेरी इनकी वीडियो बन रही है 17वां दिन। अच्छा 17वां दिन, तो आज इन्होंने बताया कि पहले तो बोला कि 90%, फिर उन्होंने बोला 99%, मतलब पूरे दिन में एक ठसका आता है, वो तो आई था, जुखाम है, मान लो मेरे को भी आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा। इस समय मौसम सर्दी का है, तकरीबन घरों में सबको खांसी बुखार जुखाम सबको मिलेगा, और इतना लंबा पेशेंट जब लंग्स का चल रहा है, आपको पता डिसऑर्डर तो होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत होगा, जबकि 1% मतलब डिसऑर्डर रह गया, बाकी 99% कवर ले लिया, धसका तो आपको भी कभी आ जाता होगा, मानते हो ना। ये बातें हमने इसलिए रखी कि जिस आयुर्वेद को लंबा बोला गया था, क्या आपको लग रहा है सर लंबी वाली बात? मेरे को तो नहीं लगता सर, इस चीज को देखते हुए इस बारे में इतना तो शक जरूर था कि आयुर्वेद के डॉक्टर कहीं ना कहीं स्लो रहे, इन लोगों ने ही आयुर्वेद को बदनाम किया, इसी वजह से आज हम लोगों ने एलोपैथ की तरफ भागा, लोगों को लगा क्विक रिलीफ एलोपैथी देता है। मैं एलोपैथ आयुर्वेद की बुराई नहीं कर रहा, जो मेरे सामने मेरे पेशेंट का डिटेल है वो मैंने रखा, कोई डॉक्टर किसी का बुरा नहीं चाहता, वो अगर पेशेंट की अच्छी रिजल्ट देगा तो लोग उसके पास आएंगे, कोई नहीं चाहता, मैं बुराई नहीं कर रहा कि आज एलोपैथ की बुराई कर रहा हूँ, नहीं, तो आज वीडियो उनके पास भी जाएगी तो उनको लगेगा कि ऐसा कुछ तो है आयुर्वेद में जो उनके पास नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से हर व्यक्ति को जागरूक कर रहा हूँ, हम वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने इसलिए डाल रहे हैं एक सच रख सकूं, कितना चेहरा वीडियो में है आप भी देख रहे हो, आप तो वीडियो देख के आए होगे, पर अगर वीडियो ना बनती तो नहीं, मतलब नहीं। तो मेरे पास तो चारा यही ना जी, क्या मैंने कोई जांच कराई आपकी सर? नहीं सर बिल्कुल कुछ नहीं, कोई जांच नहीं, वो जो पुरानी जांच हो रही थी वही मैंने दिखाई थी, पुरानी से पुरानी मेरे को जो भी अगर 2014 की जांच वो भी चलेगी, क्योंकि आयुर्वेद बॉडी के सिम्टम के आधार पर चलता है, कोई रिपोर्ट्स नहीं, पर हम किसी भी बीमारी को उसके नाम से नहीं पकड़ते, अगर कोई ने बोल दिया कैंसर हम नहीं मानते, हम तो उसका डिसऑर्डर पूछेंगे कि तकलीफ कहाँ है, और उस मौसम को देखते हुए कि किस मौसम में इस तकलीफ में क्या चीज देनी है, ये चीज हमने पेशेंट के साथ किया, तभी इनका 3 दिन में, सभी वीडियो के अंदर आपने सुना होगा कि सबकी 1 वीक में ही आई है, किसी ने बोला 3 दिन, किसी ने बोला 7 दिन, 20 दिन में तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आज ये 17 दिन ही बता रहे हैं। तो आज आपके सामने जिस आयुर्वेद को लोगों ने स्लो किया था, मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने आयुर्वेद की पढ़ाई कहां से करी, कौन सा आयुर्वेद उन्होंने लिया, कौन सी जड़ी बूटी उन्होंने दी, मुझे नहीं पता, लेकिन आयुर्वेद को बदनाम ना करें।
आयुर्वेद को स्लो बोलकर उसको पीछे की तरफ धकेले नहीं। आयुर्वेद के नाम से कई लोगों ने भी दुकान खोली है, तो लोग उसके पास भी गए, मेरे पास कई लोग आए जी, हमें एलोपैथ पर विश्वास नहीं था लेकिन हम आयुर्वेद में गए, हमारा वहां से इलाज नहीं हुआ, हमारी बीमारियां बढ़ गई, तो हमें मजबूरी में एलोपैथ जाना पड़ा। तो कई लोगों ने इस आयुर्वेद को बदनाम किया, तो उन डॉक्टरों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ज्ञान नहीं है तो कम से कम अपनी पैथी को बदनाम ना करें। जिस आयुर्वेद को आपने सुना था कि लक्ष्मण जब घायल हुए थे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए, क्विक रिलीफ में जाना जाता है जी, क्विक रिलीफ, मैंने भी क्विक ही दिया। इस आयुर्वेद को जानबूझकर स्लो किया गया था, किसी पैथी को नहीं बदनाम करना हमें। आज अगर हमें मान लो कि इमीडिएट हमारे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें एलोपैथ में जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हम बदनाम नहीं करेंगे लेकिन जो हम कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, उनको भी हमसे सीखने की जरूरत है। आपको वहां अगर आराम मिलता तो क्या आप मेरे पास आते? इन्होंने सारे धक्के खाने के बाद कैसे मेरे वीडियो पे विश्वास किया इन लोगों ने, मुझे नहीं पता। क्या आपको लग गया था सर मेरे वीडियो देख के? सर जैसे कैंसर वाले वो सारे वीडियो देखे, जागरूकता आई, चलते एक बार, चलो इतने धक्के खा लिए एक धक्का और से। ये सच में मेरा मन यही था, इतने खा लिए और से हुआ तो परफेक्ट इलाज है। जब आप यहाँ आए थे सर, आपको लगा ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, मैं सच बताऊं तो सुबह सुबह मैं लगा मैं आगे ना मन की बात कि कहीं ना कहीं कुछ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल कुछ फ्रॉड है, बिल्कुल सर। आई थी ना, इन्होंने जो भी अपने दबी जुबान में बोला वो यही बात बोला कि कुछ ना कुछ यहाँ फ्रॉड है। इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े डॉक्टर को जब मैं दिया 6,000 के इंजेक्शन ले लिए, अरे ये तो कुछ नहीं दिख रहा, फिर भी सोचे चलो जब वीडियो है तो एक ट्राई ले लो। बिल्कुल सर वही, एक जुआ और खेल लो, बस बस वही हुआ और वो इस बार जीत गई। इतनी वीडियो, एक वीडियो होती दो होती शायद शक करते आप, नंबर ऑफ मार्क्स वीडियो थे, इनको मजबूरी में मेरी वीडियो को सच मानना ही पड़ा। हॉस्पिटल तो बड़ा दिखना चाहिए ना जी, जब इतने कैंसर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? एक तो छोटा सा कमरा, सही पूछो तो डीलर का ऑफिस नहीं लगता है। बिल्कुल सर सही बात है। क्या है यार, डॉक्टर हॉस्पिटल ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल सर सही बात, ये सच्चाई ही रखेंगे जी। हमने जो भी बात रखी है अपने खुले मंच पर रखी है, पर आपके सामने वीडियो बनाई है, आप भी जब आए उस समय वीडियो कुछ बनी होगी। बिल्कुल बनी, वो जो पुणे वाली वीडियो मेरे सामने थी। ये मैं पेशेंट के सामने बनाता हूं, अलग से बैठ के किसी की भी वीडियो नहीं बना रहा, आपके सामने बात करेंगे ताकि सच्चाई आपके सामने। अगर इनके नंबर चाहिए आपको तो आप ले सकते हो, वीडियो में नहीं डालूंगा बिना बात। मुझे तो गालियां मिलती है, आपको भी मिलेगी वैसे मार्केट वाले। ठीक है, तो चलो आपको तो आप मार्केटिंग करते हो तो आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो आपकी वीडियो डालकर उनको भी कम से कम जागरूकता मिलेगी। आज जो आपको डर था आप तो आपको डर निकल गया। बिल्कुल, सर्दी जैसी गई तो हो सकता है आपका पेशेंट, मैं तो चाहता हूँ पेशेंट के साथ भी एक वीडियो फिर बिल्कुल बनाए। ठीक है सर, बड़ी खुशी हुई आपसे बात। राधे राधे।